इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। हमारे देश में न जाने कितने ही भ्रष्ट राजनेता सालों से शासन कर रहे हैं। चुनाव के समय अपने झूठे वादों से जनता को अपनी ओर फिसलाने वाले ये वही नेता हैं जो चुनाव में जीतने के बाद अपने किए सभी वादों को भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, तो बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। देश में आज भी कुछ नेता ऐसे हैं जो जनता के बीच सिर्फ अपनी मेहनत, काम और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और इस लिस्ट में एक नाम पौंडीचेरी की कृषि मंत्री कमला कनन का भी है। कमला कनन सिर्फ नाम से ही कृषि मंत्री नहीं है, बल्कि उनके काम और निजी जिंदगी को देखकर भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो खुद खेतों में काम करने वाले कृषि मंत्री हैं। हमारे देश में आज कई राजनेता ऐसे भी हैं जिनको राजगद्दियां विरासत में मिली हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आज कांग्रेस की चौथी पीढ़ी पार्टी राजनेता में बरकरार है। तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह से लेकर लालू प्रसाद यादव तक न जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जिनकी अगली पीढ़ियों को राजगद्दियां विरासत में मिली हैं। सही मायनों में देखें तो हमारे देश में जनता के बीच नेताओं की पहचान कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। जो नेता चुनाव के समय जनता के सामने हाथ जोड़कर वोटों की भीख मांगते नजर आते हैं, वही नेता चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जनता को लात मार देते हैं। अपनी छोटी सी जरूरत को पूरा कराने के लिए लोगों को सांसद या मंत्री के ऑफिस के न जाने कितने ही चक्कर काटने पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बाद तो जनता के लिए उनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। मगर खेतों में फावड़ा लेकर खेती करने वाले कमला कनन इन सब से बिल्कुल अलग हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों और अपने काम से कमला कनन आज देश के सभी नेताओं के सामने एक मिसाल बन गए हैं। एक मंत्री होने के बावजूद भी कमला कनन ने जिस तरह से खुद को सियासत से अलग रखा हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि कमला कनन के लिए उनके ओहदे से ज्यादा जरूरी जनता की सेवा है। आपको बता दें कि हाल ही में कृषि मंत्री कमला कनन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कमला कनन खेतों में फावड़ा चलाते हुए हाथ में फसल लिए खेत से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। देश में कई राजनेता ऐसे भी रहे हैं जिन्हें कृषि मंत्री के पद पर बैठा दिया गया है, लेकिन फसलों और खेती के बारे में उनकी बेसिक नॉलेज भी बहुत कम है। और अब तो बच्चा बच्चा भी ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि राजनेता देश की जनता को बेवकूफ बनाकर ठगते हैं, पैसा बनाते हैं। और भला कोई हिचकिचाएगा भी क्यों? कल तक जिस आदमी के पास एक पैसा तक नहीं होता, नेता बनने के बाद वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। इस बीच कृषि मंत्री कमला कनन की ये फोटो लोगों को ही नहीं बल्कि राजनेताओं को भी साफ संदेश देती है कि राजनीतिक पद संभालने का मतलब केवल सफेदपोश हो जाना नहीं होता है। पौंडीचेरी के कृषि मंत्री कमला कनन की चाहे जितनी भी तारीफ की जाए, कम ही होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।